एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स ऑफ फैशन। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एज वेल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन इज ऑन, आगे बैक टू बैक काफी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लाइक तीज, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, काफी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ मीशो एथनिक इयररिंग्स, एंड ऑल दिस इयररिंग्स आर अंडर ₹300। तो काफी अफोर्डेबल हॉल होने वाला है एंड काफी ह्यूज इयररिंग्स मैंने परचेज करी हैं। ह्यूज मतलब अच्छे बड़े बड़े इयररिंग्स मैंने परचेज करे हैं। अगर आपको भी बिग इयररिंग्स पहनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन मैंने रखा है आज के वीडियो में। तो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये देखिए, इतनी सारी इयररिंग्स मैंने परचेज करी हैं एंड सारी इयररिंग्स को मैंने ओपन कर लिया है ताकि ओपन करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए एक एक करके इयररिंग्स देखते हैं एंड सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डायरेक्ट लिंक पर जाके परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस वाले इयररिंग्स से। ये देखिए, काफी सुंदर सी आपको ये चांद वाली इयररिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इसकी इमेज एंड प्राइस, तो आप देख लीजिएगा। इसकी प्राइस है ₹259 एंड इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन और मिल जाएगा। मैंने परचेज किया है रेड एंड व्हाइट कलर में। तो काफी सुंदर सी आपको इयररिंग्स मिल जाएगी। इसमें आपको पूरा ये कुंदन का काम मिल जाएगा एंड ये देखिए, नीचे ये रेड पर्ल्स की डिटेलिंग मिल जाएंगी एंड ये छोटे छोटे व्हाइट पर्ल्स की भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। तो ये काफी सुंदर लग रहा था। अच्छी का पोर्शन इस तरह से रहेगा एंड ये देखिए, काफी अच्छी बड़ी इयररिंग्स आपको मिल जाएगा। तो काफी सुंदर लग रही थी इयररिंग्स। इसको आप लहंगे वगैरह में, सूट वगैरह में, किसी भी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, काफी प्यारा लगेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट परचेज। नेक्स्ट मैंने परचेज की है ये काफी सुंदर सी इयररिंग्स। ये देखिए, स्क्वायर शेप में आपको ये इयररिंग्स मिल जाएगा एंड इसकी प्राइस है ₹150 एंड ये काफी सुंदर लग रही थी इयररिंग्स। पूरी आपको ये पर्ल डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा, पूरा पर्ल्स का काम किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे से पर्ल्स लगे हुए हैं एंड नीचे भी इन्होंने पर्ल्स की डिटेलिंग की हुई है। ये लटक रहे हैं यहाँ पे पर्ल्स एंड यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन लगाया हुआ है जो काफी प्यारा लग रहा है। तो काफी सुंदर सी इयररिंग्स लगे मुझे। इसका जो लुक है ना, काफी प्यारा लग रहा है एंड फिनिशिंग वगैरह काफी अच्छी है। तो काफी प्यारे लगे इयररिंग्स मुझे एंड पहनने पे भी काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैं ट्राई ऑन लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है पहनने पे। तो ये था हमारा सेकंड परचेज एंड इसमें कोई भी कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सिंगल आपको ये व्हाइट कलर के पर्ल्स में आपको ये मिलेगा। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इस तरह की इयररिंग्स आपके कलेक्शन में होने चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड परचेज। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये वाले इयररिंग्स। काफी सुंदर लग रही थी इयररिंग्स। इसकी प्राइस है ₹251 एंड ये आपको कुंदन एंड पर्ल की डिटेलिंग के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह की आपको ये कलरफुल पर्ल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे ये बड़े बड़े कुंदन लगे हुए हैं एंड यहाँ पे भी ये छोटे छोटे से पर्ल्स की आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। तो काफी सुंदर लगे ये मुझे इयररिंग्स। जैसे इमेज में दिखाया था एग्जैक्टली वैसे मुझे रिसीव हुआ है। ट्राई ऑन में आप देख लीजिएगा, पहनने पे काफी प्यारा लग रहा है। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसमें मल्टी कलर पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाती है। तो काफी सारे आउटफिट के साथ आपको ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो आप काफी डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, लहंगा के साथ, सूट के साथ, जिसके साथ भी आप स्टाइल करेंगे उसके साथ काफी प्यारा लगेगा। तो इयररिंग्स मुझे काफी सुंदर लगी, मस्ट बाय प्रोडक्ट है एंड काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको काफी सुंदर से ही प्रोडक्ट मिल जाता है। सिंगल आप इयररिंग्स को भी आप स्टाइल कर लेंगे तो काफी प्यारा लगेगा। आपको इसमें नेकलेस वगैरह भी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इयररिंग्स के साथ नेकलेस की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली इयररिंग्स ही पहन लो तो काफी प्यारा लुक आ जाता है। तो आप ये इयररिंग्स परचेज कर सकते हैं एंड काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको ये काफी सुंदर सी इयररिंग्स मिल जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड परचेज। तो चलिए नेक्स्ट परचेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है बहुत ही सुंदर सी इयररिंग्स एंड ये वाली इयररिंग्स तो मेरा फेवरेट बन गया है। इसमें आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ये बर्ड बना हुआ है एंड इस तरह का ये पिंजरा टाइप का दिया हुआ है, काफी प्यारा लग रहा है। एंड इसमें आपको ये पूरा ये अमेरिकन डायमंड एंड पर्ल की डिटेलिंग के साथ आपको ये इयररिंग्स मिल जाएगा। तो ये इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आया। जैसे इमेज में दिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको ये सिल्वर काम मिल जाएगा एंड पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं।
प्राइस इसकी है 224 रुपीज। प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है तो आप देख लीजिएगा, डेली मीशो में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं तो प्राइस में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो मैंने इसको परचेज किया है 224 रुपीज में एंड प्राइस के हिसाब से वर्थ बाइंग है। काफी सुंदर सी आपको इयर रिंग्स मिल जाएगा, ये देखिए काफी यूनिक सा प्रोडक्ट है तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ये भी काफी सारे ऑफर्स के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफी प्यारा लगा, कोई भी कलर ऑप्शन नहीं है, सिंगल आपको इस तरह का इयर रिंग्स मिलेगा एंड ये डेफिनेटली मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसको परचेज कीजिएगा। काफी सुंदर सी आपको इयर रिंग्स मिल जाएगी इस फेस्टिव सीजन में, आप इस तरह की इयर रिंग्स पहनेंगे तो काफी प्यारा लुक आएगा, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ परचेज, तो चलिए नेक्स्ट परचेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये वाली ग्रीन कलर की इयर रिंग्स एंड यहाँ पे इमेज एंड प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। इसकी प्राइस है 263 रुपीज एंड इसका जो बेस है वो ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड है एंड इसमें जो ये आप ग्रीन कलर का पोर्शन देख सकते हैं ना, इसमें ये फैब्रिक अटैच किया हुआ है ग्रीन कलर का। 6 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैंने परचेज किया है ग्रीन कलर। तो ये वाला इयर रिंग्स मुझे ओके टाइप लगा, उतना खास नहीं लगा मुझे। यहाँ पे इन्होंने ये फैब्रिक वगैरह अटैच किया हुआ है, क्लॉथ का मतलब कपड़ा अटैच किया हुआ है एंड यहाँ पे ये बेस आपको ये ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड बेस आपको मिल जाएगा एंड नीचे आपको इस तरह से ये पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। इसका जो पैटर्न है वो काफी सुंदर लग रहा है लेकिन ये इयररिंग्स मुझे तक खास पसंद नहीं आए हैं एंड प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा भी लग रहा है। इस इमेज में दिख रहा था वो बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन रियलिटी में मुझे उतना खास नहीं अच्छा लगा, तो इयररिंग्स को मैं रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं आया है। तो ये था हमारा फिफ्थ परचेज, तो चलिए नेक्स्ट परचेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये बहुत ही सुंदर से मल्टी कलर की झुमका एंड ये काफी सुंदर लगी मुझे। इसकी प्राइस है 149 रुपीज एंड इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने परचेज किया है ये मल्टी कलर एंड आप डिफरेंट कलर भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफी सुंदर लगा मुझे, इसमें आपको ये पूरा स्टोन वर्क पर्ल की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी एंड थोड़ा ये मीनाकारी काम भी आपको मिल जाएगा, तो काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी एंड ये स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं एंड ये कलरफुल मीनाकारी का आपको ये काम मिल जाएगा, तो काफी प्यारा लग रहा है। इसको भी आप एथनिक वेयर के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। मल्टी कलर झुमका है तो काफी सारे आउटफिट के साथ आपका ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा एंड काफी प्यारा भी लग रहा है। ज्यादा बड़े इयर रिंग्स भी नहीं है, आप अगर इतने छोटे इयर रिंग्स तो हर कोई पहनता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छी क्वालिटी में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने परचेज करी है ये बहुत ही सुंदर सी लेवेंडर कलर की इयर रिंग्स एंड ये ट्रस्ट में बहुत ही सुंदर इयर रिंग्स लगी मुझे, जैसे इमेज में दिखाया था एग्जैक्टली वैसे रिसीव हुआ है। इसकी प्राइस है 273 रुपीज एंड ये बहुत ही बड़े इयर रिंग्स है, बहुत ही हैवी भी है तो काफी सुंदर लगा मुझे एंड इसका जो बेस है अलॉय है एंड आपको ये पर्ल की डिटेलिंग साथ आपको मिल जाएगा एंड ये कुंदन का काम भी किया हुआ है, देख सकते हैं कुंदन वर्क आपको मिल जाएगा, पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। इस तरह से लटकन लगे हुए हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं तो पर्ल की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे ये स्टोन्स वगैरह सेम कलर के आपको ये स्टोन्स लगे भी मिल जाएगा, तो काफी प्यारे लग रहा है एंड क्वालिटी फिनिशिंग सब बहुत बढ़िया है एंड प्राइस के हिसाब से वर्थ बाइंग भी है, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। बेस भी इसका काफी प्यारा है, थोड़े से हैवी इयर रिंग्स हैं लेकिन आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की इयर रिंग्स पहनना पसंद है। तो ये था हमारा सेवेंथ परचेज, तो चलिए नेक्स्ट परचेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किए बहुत ही सुंदर सी इयर रिंग्स एंड ये ट्रस्ट में बहुत ही सुंदर इयर रिंग्स मुझे रिसीव हुए हैं। यहाँ पे मैं इमेज एंड प्राइस आपको मेंशन कर दूं तो आप देख लीजिएगा। इसकी प्राइस है 184 रुपीज एंड ये आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने परचेज किया है ये व्हाइट एंड गोल्ड कलर में, तो इसमें आपको ये पूरा कुंदन का काम आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे अमेरिकन डायमंड्स का भी आपको वर्क मिल जाएगा एंड नीचे आपको ये पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, तो काफी प्यारा लगा मुझे एंड ये काफी सुंदर लग रहे हैं पहनने पे, तो और ही बढ़िया लग रहा है। तो ये मुझे इयररिंग बहुत काफी सुंदर लगी, काफी लाइट वेट इयररिंग्स है एंड इसका जो वर्क है ना काफी प्यारा लग रहा है एंड इसका जो कलर है ना थोड़ा सा गोल्डिश कलर आपको मिल जाएगा, तो काफी सुंदर सी इयररिंग्स है, हम डेफिनेटली इस इयररिंग्स को परचेज कर सकते हैं एंड अगर आप दूसरा कलर ट्राई करना चाहते हैं तो वो कलर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन आपको और मिल जाएगा।
तो ये था हमारा 8th परचेज एंड काफी सुंदर इयररिंग्स है, वर्थ बाइंग भी है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी A1 है एंड लाइट वेट भी है, तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8th परचेज। तो चलिए नेक्स्ट परचेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये व्हाइट कलर की इयररिंग्स एंड ये भी बहुत ही सुंदर इयररिंग्स मिले मुझे। इसकी प्राइस है 159 रुपीज। यहाँ पे मैं इमेज एंड प्राइस आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा जैसे इमेज में दिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। इसमें भी आपको कुंदन एंड पर्ल का आपको पूरा काम मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह का कुंदन वर्क आपको मिल जाएगा, नीचे आपको ये पर्ल्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी एंड ये थोड़ा बहुत अमेरिकन डायमंड्स का भी आपको वर्क मिल जाएगा। तो काफी प्यारा लग रहा था मुझे, कोई भी कलर ऑप्शन नहीं है इसमें, सिंगल आपको ये ऑफ व्हाइट कलर में आपको मिलेगा एंड पीछे से आप देख सकते हैं इस तरह का आपका ये बेस मिल जाएगा। तो काफी प्यारा लगा मुझे, इसको भी आप काफी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं एंड ये फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट इयररिंग्स है। तो ये काफी प्यारे लग रहे थे पहनने पे, ट्राई ऑन में आप देख लीजिएगा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है पहनने पे। तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, तो प्राइस के हिसाब से वर्थ बाइंग भी है। फिनिशिंग वगैरह अच्छी है एंड जो इसका लुक है इयररिंग्स का वो भी काफी प्यारा लग रहा है। तो इस तरह के आप ट्रेडिशनल इयररिंग्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 9th परचेज। तो चलिए हम अपना लास्ट परचेज देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये वाली इयररिंग्स, इनको कलमकारी इयररिंग्स बोलते हैं, लेकिन ये इमेज में काफी ब्यूटीफुल लग रहे थे लेकिन रियल में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्वालिटी वाइज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसमें इन्होंने इस तरह का ये कपड़ा अटैच किया हुआ है एंड नीचे ये कौड़ी लगा दिए हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। इसका जो क्वालिटी वगैरह कपड़ा भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके साथ इन्होंने मुझे ये स्क्वायर बैंगल्स दिए हुए हैं, तो बिल्कुल भी उतने खास नहीं लगे मुझे। यानी वैसे भी हैंडमेड इयररिंग्स है, तो इस तरह की इन्होंने ये कस्टमाइज करके दिया हुआ है। इमेज में काफी सुंदर लग रहे थे, काफी डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में मुझे इतना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसको तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। इसकी प्राइस जो है वो है 125 रुपीज। तो प्राइस के हिसाब से ओके ओके टाइप है, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड लुक वाइज भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इयररिंग्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। तो ये थी हमारा 10th परचेज जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको आज का मीशो एथनिक इयररिंग हॉल पसंद आया होगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया एंड आपका कौन सा फेवरेट रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी वीडियो इस पर लगी हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।